कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर दोनों ऐसे सुपर हीरो जिन्हें परफेक्ट सुपर हीरो भी बोला जा सकता है, क्योंकि दोनों सुपर हीरोज ना तो अंडरपावर्ड है और ना ही ओवरपावर्ड, और कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर के बीच काफी सिमिलैरिटीज है। लेकिन क्या हो अगर हम कैप्टन अमेरिका के साथ ब्लैक पैंथर को कंपेयर करें? तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में, और आज हम ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका के बीच शोडाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। तो स्टीव रॉजर्स पर सुपर सोल्जर सेरम का एक्सपेरिमेंट हुआ था, और एक्सपेरिमेंट की वजह से स्टीव रॉजर्स की बॉडी ह्यूमन के पीक लेवल की बन गई, जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका कभी ओल्ड होकर नहीं मरने वाला, और सुपर सोल्जर सेरम की वजह से कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ और सेंसेस भी ह्यूमन के पीक लेवल के। ब्लैक पैंथर का ओरिजिन स्टार्ट होता है मीटेराइट से। तो हजारों साल पहले अफ्रीका के एक हिस्से में मीटेराइट गिरा, और पहले इस मीटेराइट को एलियन मेटल नाम दिया, लेकिन बाद में अफ्रीका के 5 ट्राइब्स यानी कबीले वालों को पता चलता है कि एलियन मेटल के फायदे बहुत ज्यादा है, और एलियन मेटल को हासिल करने के लिए अफ्रीका के 5 कबीले वालों में जंग छिड़ जाती है, जिसमें से एक वॉरियर हार्ट शेप हर्ब खा लेता है, और हार्ट शेप हर्ब खाने के बाद उस वॉरियर में एनहांस स्ट्रेंथ आ जाती है और बन जाते हैं वहाँ का ब्लैक पैंथर। और वकांडा में बचपन से ही छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर किसी वजह से ब्लैक पैंथर मर जाता है तो उसके बदले में जो वकांडियन ब्लैक पैंथर बनने के लायक होता है वो ब्लैक पैंथर बन जाता है। स्पीड, तो कैप्टन अमेरिका के पास पीक ह्यूमन स्पीड है, जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका की टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आर की है। कैप्टन के रिफ्लेक्सेस भी काफी क्विक है, और कैप्टन अमेरिका स्मॉल कैलिबर से शूट किए हुए बुलेट्स को भी देख सकता है, जबकि ब्लैक पैंथर के पास एनहांस स्पीड है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ब्लैक पैंथर की भी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आर की है। ब्लैक पैंथर को बचपन से वॉरियर बनने की ट्रेनिंग मिली है, जिसकी वजह से ब्लैक पैंथर के भी रिफ्लेक्सेस फास्ट है। तो ओवरऑल स्पीड के मामले में कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर के बीच टाई होता है। स्ट्रेंथ, कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ पीक ह्यूमन की है, और पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ की वजह से कैप्टन अमेरिका अप्रोक्स 500-700 केजीस का वेट उठा सकता है। कैप्टन अमेरिका स्टील चेन को आराम से तोड़ सकता है, और कैप्टन अमेरिका ने हेलीकॉप्टर को अपने हाथों से रोक कर रखा था। लेकिन कैप्टन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कैप्टन की विल पावर और शील्ड। इन्फिनिटी वॉर में बैटल ऑफ वाकांडा के टाइम पर कैप्टन अमेरिका पर सबसे पहले पावर स्टोन का अटैक हुआ था, लेकिन तब भी कैप्टन अमेरिका अकेला ऐसा सुपर हीरो था जो अपने विल पावर के दम पर थानोस से फिर से भिड़ने चले गया था। और अगर बात करें कैप्टन अमेरिका के शील्ड की, तो ये शील्ड वाइब्रेनियम से बनी है, और कैप्टन अमेरिका इस शील्ड का यूज अटैक और डिफेंस के लिए यूज कर सकता है। अगर बात करें ब्लैक पैंथर के स्ट्रेंथ की, तो ब्लैक पैंथर को स्ट्रेंथ स्पेशल हर्ब से मिलती है। तचला के फिजिकल स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से थोड़ी कम है, लेकिन किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा है। ब्लैक पैंथर ने अपने स्ट्रेंथ की मदद से एलिफेंट्स को रोका है, और राइनो से भी भिड़ चुका है। ब्लैक पैंथर ने वॉल्वरिन को बीट किया है, और ब्लैक पैंथर वर्सेस फैंटास्टिक फोर स्टोरी लाइन में ब्लैक पैंथर ने अकेले फैंटास्टिक फोर को हरा दिया था। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो पैंथर गॉडेस की वजह से ब्लैक पैंथर की एनहांस स्ट्रेंथ कैप्टन के पीक स्ट्रेंथ से ज्यादा है। ड्यूरेबिलिटी, तो कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर दोनों ऐसे सुपर हीरो हैं जिनके बोन्स नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दोनों सुपर हीरोज अपने बॉडी को बहुत जल्दी हील कर सकते हैं। लेकिन हीलिंग फैक्टर में ब्लैक पैंथर ज्यादा फास्ट है, क्योंकि ब्लैक पैंथर के पास हार्ट शेप हर्ब है जो काफी हद तक मिस्टिकल पावर से बनी है, और इस पावर की वजह से ब्लैक पैंथर कैप्टन के मुकाबले ज्यादा जल्दी हील हो सकता है। और अगर फिजिकल ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इन दोनों सुपर हीरोज को स्वॉर्ड, लार्ज कैलिबर बुलेट्स और एनर्जी प्रोजेक्शन से मारा जा सकता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका का सूट छोटी बुलेट्स और एक हद तक एनर्जी प्रोजेक्शन को रोक सकता है। लेकिन तचाला के पास वाइब्रेनियम से बना सूट है, जिसे तोड़ना या काटना लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए ड्यूरेबिलिटी राउंड में ब्लैक पैंथर विनर है। एबिलिटीज, कैप्टन अमेरिका के पास है पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस। कैप्टन अमेरिका मार्शल आर्टिस्ट है, और कैप्टन अमेरिका मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। कैप्टन अमेरिका के पास एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर है, और कैप्टन के पास लीडरशिप स्किल और वाइब्रेनियम से बनी शील्ड है। ब्लैक पैंथर के पास है एनहांस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना एंड सेंसेस। तचला मार्वल के टॉप 10 जीनियस कैरेक्टर में से एक है। ब्लैक पैंथर मास्टर टैक्टिशियन और मार्शल आर्टिस्ट है। ब्लैक पैंथर के पास वाइब्रेनियम सूट है, और साथ में पूरे वकांडा वाइब्रेनियम का एक्सेस भी है। तो कौन सबसे पावरफुल है? तो इस मैच के दो पॉसिबिलिटी है। अगर ब्लैक पैंथर और कैप्टन के बीच बिना सूट के फाइट होती है, तो विदाउट सूट कैप्टन अमेरिका जीतेगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने बिना वेपन्स के ज्यादातर मैच में फाइट किए है। लेकिन अगर हम ब्लैक पैंथर के फाइटिंग स्टेप्स देखें, तो ज्यादातर ब्लैक पैंथर अपने क्लॉज को यूज करता है जो सूट में इनबिल्ट है, इसलिए विदाउट सूट के मैच का विनर कैप्टन अमेरिका है। लेकिन सूट के सारे पॉसिबिलिटीज में ब्लैक पैंथर जीतेगा, क्योंकि ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है, जिसे डैमेज करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो ये था ब्लैक पैंथर वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बीच एक शोडाउन। लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो ऊपर आई बटन पर अपना वोट देने के बाद नीचे कमेंट जरूर करें,
और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।